हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता ही है, IRCTC से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ओके, OFS आ गया है और शेयर बढ़ नहीं रहा है। लोगों ने बहुत हाई लेवल पर खरीद रखा है। क्या होगा क्या नहीं होगा उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके पास भी इस तरीके की बेहतरीन वीडियो मिल सके और अगर वो परेशान हैं इन्वेस्टिंग को लेके तो इससे सीख सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। एंजल ब्रोकिंग से आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेबी रजिस्टर्ड आपका ये ब्रोकिंग है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है। ज़ीरो डिलीवरी चार्जेज है, काफ़ी बेहतरीन इनका एप्लीकेशन है। ओके, काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसेज है। तो जाके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ IRCTC है क्या। तो IRCTC आपको पता ही है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म का इनका बिजनेस है। तीन बिजनेस है, रेलवे, टूरिज्म एज वेल एज कैटरिंग। ओके, तीन बिजनेस है। बट आपको पता ही है, पेंडामिक आया था यहाँ पर। अगर हम देखें पेंडामिक से पहले ये शेयर भागे जा रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ये शेयर लगभग 2000 रुपये के आसपास आ गया था। 2000 ही कहता हूँ मैं सीधे राउंड फिगर में, तो 2000 रुपये के आसपास आ गया था और सीधी इसमें गिरावट आई थी और 858 पे शेयर मिल रहा था। बट फिर भी यहाँ पर शेयर देखिए, यहाँ पर जंप कुछ ही टाइम में, ओके, विद इन 1 मंथ यहाँ पर करते हुए दिखा। बट उधर से लेके अभी तक यहाँ तक भी कह सकते हैं कि यहाँ तक लगभग यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज पे है। और अभी भी अगर कहे तो देखिए, यहाँ पर एक जंप लगाई थी। ओके, वो खेल होता है, OFS लाते हैं, तो OFS का क्या खेल होता है कि शेयर को बढ़ाते हैं ताकि उन्हें काफ़ी नीचे, OFS लाते हैं तो हमेशा डिस्काउंट पे लाते हैं, तो डिस्काउंट पे लाते हैं तो मतलब शेयर के प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो ये शेयर लगभग 1700 से 1750 रुपये तक चला गया था। उसके बाद यहाँ पर गिरावट आई और वो गिरावट अभी भी कायम है। तो लोगों ने देखिए, यहाँ पर भी ख़रीदा है लोगों ने, यहाँ पर भी ख़रीदा है लोगों ने, 1700 के लेवल पर भी ख़रीदा है। और लोगों ने कहाँ पर ख़रीदा है, लोगों ने 1900 और 2000 के आसपास जब शेयर था, ओके, तब भी ख़रीदा है। तो हुआ क्या है, OFS की वजह से देखिए यहाँ पर शेयर बढ़ नहीं रहा था, एज वेल एज यहाँ पर बिजनेस अभी हैम्पर है। ट्रेनें अभी फुली स्पीड से चल नहीं रही है। फुली स्पीड का मतलब पूरे खुले सारी की सारी ट्रेनें अभी चालू नहीं है, कुछ ही स्पेशल ट्रेनें चल रही है। ओके, बट बहुत जल्दी आपके पास बहुत खुशखबरी आ जाएगी। और जैसी ही खुशखबरी आएगी तो ये शेयर है ना, तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँगा आपको 1 मंथ का, देखिए यहाँ पर चल रहा था 1300 1300 1300, और फिर एक साथ ही स्पाइक लिया और कहाँ तक गया, लगभग 1700 रुपये तक ये शेयर टच किया। ओके, बट OFS आया तो यहाँ पर शेयर यहाँ तक गया, और OFS के बाद बड़ा भी था, लगभग 1479 तक गया। फिर उसके बाद अभी गिरावट ही है। तो अभी एक और न्यूज़ आ रही है कि OFS आ गया है, तो OFS आ गया एक न्यूज़ है, तो यहाँ पर पहले उसे कैप्चर कर लेते हैं। तो देखिए ये रही, IRCTC अपडेटेड ऑन एम्प्लॉय OFS। तो अभी एम्प्लॉय के लिए OFO सेल आ रहा है। ओके, एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों आ रहा है, तो कब डेट है, ओके, शायद इस वजह से भी हैम्पर हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रपोजिंग टू ऑफर अप टू 16 लाख, ओके, 16 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 1377.55 पर इक्विटी शेयर। तो जो इक्विटी शेयर हमें फिक्स प्राइस पे मिल रहा था और कट ऑफ प्राइस पे मिल रहा था, वो उनके लिए अभी ओपन किया गया है। ओके, और कितने 16 लाख इक्विटी शेयर्स और यहाँ पर दिया गया है, वो हमारे लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है उनके एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए जो IRCTC में वर्क करते हैं। और कब तक ये खुला है, तो ये इट विल रिमेन ओपन फ्रॉम 18 दिसंबर टू 21 दिसंबर। 21 दिसंबर तक यहाँ पर ये ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शेयर जो IRCTC है, 21 दिसंबर तक तो आप शायद ही भूल जाओ कि अभी कुछ बढ़ने वाला है। ओके, थोड़ा बहुत गिर गया तो कह नहीं सकता, बट एक अभी जो हम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, OFS के रीज़न से लोग यहाँ पर ख़रीद नहीं रहे थे, OFS ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर लोग ख़रीदने वाले हैं। बट अभी क्या हो रहा है, अभी एक OFS ये एम्प्लॉयज़ का आ रहा है। ओके, तो जैसे ये इशू ख़त्म हो जाएगा, ट्रेनें चालू होने लग जाएगी, तो ये शेयर डेफिनेटली भागेगा।
तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस शेयर में खासकर। क्यों? क्योंकि देखो एक शेयर हो रहा है यहाँ पर, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर मैं एयरटेल डेट का आपको डेटा बताऊँ तो देखिए पेंडामिक के बाद पहली बात तो ये इतना गिरा ही नहीं, ये थोड़ा बहुत गिरा, बहुत मजबूत शेयर था और गिर के इसने जंप लगाई, लगभग 2600 रुपये तक ये शेयर चल जा चुका था। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरावट हुई और गिरावट के बाद ये उसी कंसोलिडेशन फेज़ पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बट अचानक ही इसने यहाँ पर से देखिए फिर जंप लगानी शुरू करी है। तो शेयर हमेशा कभी भी ना इस तरीके से नहीं चलता, यही ऊपर की तरफ यूँ भागता गया यूँ भागता गया, ऐसे नहीं चलता शेयर, हमेशा इस तरीके से जिग जग मोशन में चलता है और ये ऊपर की तरफ जाते रहता है। अगर अच्छे शेयर है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर इसका मैक्सिमम भी दिखाऊँ ना मैं आपको, तो देखिए 2019 में ये शेयर आया, ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो काफ़ी टाइम इसे हुआ नहीं है, बट फिर भी आपके पैसों को लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो डबल आपके पैसों को कर चुका है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर से बात भी करें ना तो 150 मतलब विद इन 6 मंथ ही कह सकते हैं कि विद इन 6 मंथ इसने आपको 150% के मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, मोनोपोली बिजनेस है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। किसी ने यहाँ खरीदा हो, ओके, चाहे किसी ने यहाँ खरीदा हो उनकी तो लॉटरी है ही, और किसी ने यहाँ पर खरीदा हो, ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये शेयर बहुत बेहतरीन शेयर है। ओके, अगर मैं आज की बात भी कर बताऊँ तो देखिए लगभग 46% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाती हुई दिख रही है। और यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती आई है, 2.5 रुपये के 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, एक बार 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, 19 अक्टूबर को देखिए 2.5 रुपीज़ का फिर दोबारा डिविडेंड दिया, और कोई भी इनके शेयर गिर भी नहीं है। और ये 87% जो अभी दिखा रहा है ये अपडेट हुआ नहीं है, तो ये लगभग कम हो गया, जितने 15% 20% की हिस्सेदारी इन्होंने बेची थी तो वो इसमें से कम हो जाएगा। तो ओके, तो आप वो दोबारा OFS आने का कोई सीन नहीं है, ये अभी OFS जो आया है वो एम्प्लॉयज़ के लिए आया है। ओके, तो इस ये शायद थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप रखते हो इसे तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। और ये आपको, मेरे को जो लगता है, मैं अपना पर्सनली व्यू बता रहा हूँ कि विद इन अ ईयर मतलब 2021 के एंड तक ये शेयर डबल होते हुए दिखाई देगा। अभी 1400 है, ओके, लगभग 3000 तक ये टच कर लेगा जैसे ही बिजनेस इनका रन होने लग जाएगा फुल स्पीड से, मतलब दोबारा बिजनेस जैसे पहले कारोबार करता था उसी कारोबार में उसी तरीके से करेगा, तो डेफिनेटली ये उसी आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, देखिए लगभग 1168 करोड़ रुपए के यहाँ पर इनके पास रिजर्व्स हैं, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म कोई भी इनके पास कर्ज नहीं है। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट यहाँ पर अगर देखा जाए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लगभग 1300 करोड़ कह सकते हैं, सिर्फ साफ 1300 करोड़ रुपए के इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो सारी बैलेंस शीट इनकी काफ़ी मजबूत है, बिजनेस मॉडल सबसे ज़्यादा मजबूत है, मतलब आपको इस कंपनी में कोई भी खराबी आपको नज़र नहीं आएगी। बस बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी पहले OFS के रीज़न से नहीं बढ़ रहा था, ये पीरियड सारा OFS के रीज़न की वजह से यहाँ पर कंसोलिडेट होता गया। ओके, इसमें थोड़ी बहुत जंप आई थी तो यहाँ पर OFS आ गया, तो OFS में तो देखिए आपको पता ही है एडजस्ट होना ही था, तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ। तो अभी ये एम्प्लॉयज़ का OFS है, जैसे ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी बिजनेस दोबारा रन करना चालू हो जाएगा। देखिए ये लेवल तो बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, एज वेल एज ये शेयर जो मैंने आपको बताया ना कि विद इन 1 ईयर मुझे पर्सनली लगता है कि ये 3000 रुपये टच कर जाएगा, तो आपको पैसे और यहाँ पर डबल होते हुए नजर आएंगे। तो इसकी तरफ नज़र बना के रखना, काफ़ी बेहतरीन मल्टी बैगर साबित हो सकता है ये आगे भी, और कोई भी परेशानी इसमें है नहीं। सारे लोग केवल एक ही जगह से टिकट बुक कराते हैं, IRCTC, ऑनलाइन कहीं भी आप बुक कराओगे IRCTC, पानी पियोगे रेल नीर, ओके, टूरिज्म तो चलो आप कहीं से भी कर सकते हैं बट फिर भी टूरिज्म के बिजनेस में, तो डाव काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसकी तरफ नज़रें बना के रखना, अभी भी मौका है आपके पास मिलने का। वरना ये शेयर जैसे यहाँ से ऐसे चल रहा था और एक साथ स्पाइक मारा था ना इसने 1600-1700 तक, तो उसी तरह जाएगा, फिर आप हायर लेवल पर खरीदेंगे फिर अटकते हो, अभी अच्छा मौका है। बट बिफोर इन्वेस्टिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना, ये केवल मेरा आपको बताने का मकसद है कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, मैं इसे बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज अकाउंट ओपनिंग के लिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डीमेट एंजल ब्रोकिंग से आप फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।